मुकाम अफसोस है, दूब मरने का मकाम है। हम ओ भाई बात सुनने, हम सब के लिए कि ये शहर जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम को, माओं बहनों बेटियों बच्चों को, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, केपी का है, पंजाब का है, बलूच, यहाँ पर एक माँ की तरह उनको अपनी गोद में लेकर रखा हुआ, और कभी उफ नहीं किया कि भाई आप लोग ये कहाँ से आके हमारे शहर में बोझ बन गए हैं। और अरबों खरबों रुपया ये शहर कमाता है और अरबों खरबों टैक्स देता है, लेकिन पीने के पानी के लिए अभी भी टैंकर माफिया है। कितने अफसोस की बात है। ये साइट की जो सड़क है, अभी मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने ये फंड मुहैया किया, जो कि अब शायद बन गई या बन रही है, वो बन गई, वरना कितने खड्डे थे वहाँ पर। वहाँ पर मेरे जैसे जिसकी कमर में तकलीफ है, मेरी तो कमर वहाँ पर टूट जाए, जितने वहाँ पर खड्डे होते थे। तो मेरे बुज़ुर्गों भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, ये आपकी हैदराबाद से कराची तक जो मोटरवे है, अब मोटरवे नहीं रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सुस्त रवि से ट्रैफिक चलती है। तो नवाज शरीफ आएगा तो मोटरवे बनाएगा। मैं आपसे ये, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बना, तो खुदा को मंजूर हो तो इंशाल्लाह कराची का पीने के पानी का मसला हमेशा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी और बातें इंशाल्लाह मैं हल्के में आके करूँगा। अल्लाह ताला से आइए, मैं सदर नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ हूँ और नवाज शरीफ का सिपाही हूँ जी। एक सेकंड जरा बात खत्म कर लूँ। मैं आखिर में इकबाल के इस शेर पे बात ख़त्म करता हूँ कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार है हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार है हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शाने खुददारी, चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान कायदे आज़म नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने कराची के मसाइल के ऊपर बात की, कहा ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है। बच्चियों को स्कूल जाना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना हो, अपने काम के लिए जाना हो, गुजरना मुहाल है। खरबों का टैक्स देता है कराची, लेकिन खरबों रुपए का टैक्स देने वाला कराची प्यासा है। यहाँ पीने का साफ पानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो टैंकर माफिया का राज है। जब नवाज शरीफ आएगा मोटरवेज बनाएगा, कराची से लेकर हैदराबाद तक का रास्ता इसको मोटरवे नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर इस कदर रश है, पीएमएलएन को मौका मिला तो कराची में सब कुछ ठीक करेंगे।